ये रहा जी मेरा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वसीम शहजाद, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक जबरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं ये शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर लो। अभी जो है ना टाइम बिल्कुल गलत हो चुका है, 5:20 हुए खड़े हैं, लेकिन अभी तकरीबन ना 1 बज चुका है दिन का। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। बस अभी नहा धो के हो रहा हूँ जी, बस रेडी। सच बताऊँ तो कल नहीं नहाया था लेट हो गया था, सिटी चला गया था, फिर मैच था, मैच देखने लग गया और मैच देखते देखते ना शाम हो गई तो नहाया नहीं था। तो आज ना मैं फिर टाइम से नहा के, नाश्ता तो वैसे मैं नहाने से पहले ही कर लेता हूँ, मेरे ना उल्टी ये आदत बन गई है कि उठता थोड़ा सा लेट हो तो फिर नाश्ता उस वक्त बन चुका होता है। खैर जी, अभी हो चुका हूँ जी मैं रेडी। और कल ना वही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का था तो वही पाकिस्तान जीत चुका वन सेकेंड। आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और मैं ना वो रिजवान का नाम ना सरफराज लेता रहा, मुझे याद नहीं है, बाद में जब वीडियो बन गई तो मैंने सुना कि मैं तो सरफराज कहता रहा हूँ, तो सरफराज तो है ही नहीं। फिर मैंने वहाँ ऊपर लिखा भी था कि भाई सरफराज की जगह पर रिजवान है, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे वसीम सरफराज नहीं है, रिजवान है, रिजवान है। तो भाई करेक्शन, मिस्टेक, माई मिस्टेक। तो खैर अभी ब्लॉग प्रॉपरली शुरू करते हैं, रेडी हो चुका हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। अच्छा गाइस, तो कुछ दिन पहले मैंने ना ये शेविंग मशीन मंगवाई थी, ट्रिमर। तो कुछ सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि वसीम इसका रिव्यू बताना कि कैसी है, इसकी क्वालिटी कैसी है और इसका वो क्या कहते हैं ना एक्सपीरियंस कैसा रहा तुम्हारा। तो भाई कुछ खास मैंने यूज़ नहीं की, एक बार बस यूज़ की है, उसी बार चार्ज की थी और कुछ इतनी एक स्पीड से चलती है, मतलब स्पीड इसकी अच्छी है। बैटरी टाइमिंग को मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, एक बार चला यूज़ भी कर लिए फिर भी तेज़ी चल रही है, तो मतलब 2-3 बार तो आप शेव ईज़िली कर सकते हो। और दूसरी बात ये कि मतलब ये बहुत ही बारीक है, इसके ना मतलब आप गेज को आगे ऊपर नीचे नहीं कर सकते, साइज़ को चेंज नहीं कर सकते, तो इस वजह से ना कट लगने के काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। तो मतलब कुछ ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस भी मेरा नहीं रहा, मैंने एक बार ही शेव किया तो मुझे सही कम्फर्टेबल फील नहीं हुई, तो मैं तो बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो आप कोई और ले लीजिए जिसका साइज़ वगैरह ना बंदा ईजिली चेंज कर सकता हो। लेग जी हाँ, रेडी हो जा, रेडी हो जा। चलो ये बॉल उठाओ, बॉल उठाओ, बॉल उठाओ, उठाओ बॉल, गुड। उधर जा, वापस आओ, वापस उठा के इधर ले, चलो इधर लेके आओ, यहाँ बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, गुड। फिर फेंक दिए। ये बॉल जो है ना बना हुआ है स्पेशली डॉग्स के लिए, इसके ऊपर ना वो ब्रश टाइप का बना हुआ है, ये ना डॉग्स के ना मतलब दांत वगैरह इससे ना साफ़ हो जाते हैं और ना बड़ा वो रिलैक्स फील करते हैं, तो इसलिए ना वो बड़ा भाग के उठाती है और सारा दिन अपने पास रखती है वो बॉल को। भाई अम्मा काट रही हैं जी साग, आज फिर साग आ गया है। हाँ जी, साग आज ही पका नहीं पाया, तेरे का कोई नहीं। अच्छा हाँ, क्या हूँ दुकान से लिया, सही हो गया। वाह जी वाह, ये अपना अपना तोड़ा है, ये तो बड़ा अच्छा खासा बड़ा हो गया, बड़ा ना मतलब नरम भी है, नरम अच्छी है, गंदले इसकी अच्छी है। चलें जी कोई नहीं, मैं भी फिर इसी बहाने खा ही लूंगा। पालक इसमें नहीं डालनी, पालक जो है ना वो थोड़ा सा ना उसकी वजह से यूरिक एसिड इंक्रीज होता है, पत्नी साग की वजह से भी होता होगा, लेकिन मैंने जो पढ़ा था कि ना पालक नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो अम्मा का भी मसला है, तो थोड़ा बहुत आपको पता, मैंने भी अपना यूरिक एसिड टेस्ट करवाया था तो है तो नॉर्मल ही, लेकिन फिर भी ना एहतियात करना जरूरी है, तो पालक इसमें नहीं डालेगा। और अम्मा कह रही थी कि ना पालक में ना डालो ना तो साग गलता नहीं है, तो आप इसको ना टाइम से रख देंगे ना तो फिर गल जाएगा ये। तो लकड़ी बना देना मोटी मोटी, फुहारा लाए छोटे काटो, तो पीस बनवा ले, टाइम लगा के। चलो जी हम लकड़ियाँ बना लेते हैं, लेकिन पालक आज नहीं डालने दूंगा। बस एक ही काफ़ी है, ये असद आ गया है। और अभी यहाँ से ना कोई एक दो लकड़ियाँ फटियाँ निकाल लेते हैं, जिनको ना छोटे टुकड़े कर लेंगे। साग पसंद है तुझे या नहीं? पसंद है, बस फिर साग ही बन रहा, फिर उसी हिसाब से काटनी। तो ये ना साग के लिए तैयार करनी पड़ रही, क्योंकि साग को पकाने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, ज़्यादा देर उसको जलाना पड़ता है, गैस पे ना वो बड़ी मुश्किल से बनता है, तो फिर उसके लिए ये लकड़ियाँ काटनी पड़ेंगी। लकड़ियाँ भी ना काफ़ी दिनों से वो पुरानी हुई पड़ी हैं ना, तो गली पड़ी हैं, तो बड़ी ईजीली कटी जाती हैं। देखी
लकड़ियाँ जो है ना भाई हमारी बन गई हैं, अब इनको चलते हैं जो ले के उठा लेगा दोनों हाथों से। मैं भाई फिर कैमरा मैन भी हूँ ना, तो व्लॉगर थोड़ा सा ना कम चीज़ें उठा सकता है, या कैमरा पकड़ सकता हूँ या चीज़ें उठा सकता हूँ। तो बाकी को असद उठा के लाता है, चूल्हे पे रख देगा, तो उसके बाद फिर साग बनाएंगे जी। बड़ी मैंने उठा ली थी वैसे, लकड़ियाँ वो आई पड़ी हैं काफी है। हाँ, बस ठीक है, हूँ फिर पालक नहीं पानी, पानी से पाने। यहाँ पे ना साग में ना पालक को डालते हैं कि ना साग फिर जल्दी गल जाता है। अब मुझे यही पता इसके पीछे क्या लॉजिक है, पालक जल्दी गला देती है साग को या फिर पता नहीं, हमारी औरतों का तो यही सोचना है। अब आप लोग भी साग में पालक डालते हैं या नहीं डालते कमेंट्स में जरूर बताइएगा। पार्सल उठा के लाया था, कहाँ है? कितने पैसे लिए थे उन्होंने? 1350 1350 अच्छा इतना ही होंगे जी। अभी पार्सल मंगवाया था मैंने कल था 9 नवंबर और छुट्टी थी, पार्सल नहीं आया था मेरा, यानी कि शॉप सारे जो कोरियर वाले हैं ना वो बंद थी, तो आज ले आया ताकत। ये रहा जी मेरा। अच्छा गाइस, अभी जो है ना हम पार्सल को ओपन करते हैं। ये आपका आवाज़ें आ रही है छनकना, ये आपके लिए आज लेके आए हैं छनकना, मेरे लिए भी वैसे साथ में ही है। तो ओपन करते हैं इसको। ओहो हो ये है ये भी है, ये ऐसे करके ना खेलना है इसको। बिल देख लो, बिल आया जी भाई 1350 रुपए का। ये मंगवाई थी मैंने टेबलेट्स विटामिन डी की, विटामिन डी होता है ना वो बोन्स के लिए मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा। इसके बारे में ना मैंने पहले अच्छी तरह से सर्च की, सारी रिसर्च करके ये मैंने मंगवाई है। कहते हैं अगर आपको बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब करना है ना, तो उसके लिए सबसे पहले आपकी बॉडी में ना विटामिन की जो कंसंट्रेशन है ना वो पूरी होनी चाहिए, तब आप प्रॉपरली जो कंसंट्रेशन होगी ना कैल्शियम की उसको अब्सॉर्ब कर सकते हो। तो इसलिए फिर मैंने ये मंगवाई थी। नहीं, ये सप्लीमेंट्स होते हैं, मतलब आपको सिम्टम्स होते हैं, आप थोड़ा सा थकावट फील करते हो, आपके बोन्स में दर्द होता है, आपको मसल्स में पेन होता है, तो ये है जी विटामिन D3। 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स है, 10,000, और ये वीक में 2 बार लेनी होती है, और इंसान को ना डेली बेसिस पे ना 500 इंटरनेशनल यूनिट्स चाहिए होते हैं जी। तो अब देखते हैं, ट्राई करके सप्लीमेंट्स हैं, रेगुलर लाइफ में बंदा यूज कर सकते हैं इनको, हर चीज़ डॉक्टर के मुताबिक भी नहीं ली जाती, वैसे लेनी तो चाहिए लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं कि हैं कैसी। ये प्रॉपरली भाई अच्छी तरह से बंद की हुई है। ये बाय द वे मैंने मंगवाई थी जी माई विटामिन स्टोर से, ऑनलाइन ऑर्डर की थी मैंने, इनकी मतलब जो पैकिंग वगैरह की जो क्वालिटी है ना वो तो अच्छी है। अब अंदर से भी देख लेते हैं, इसके अंदर एक ये उन्होंने डाली हुई है, ये इस तरह की है जी भाई, डेली नहीं यूज करनी, वीक में सिर्फ 2 बार, यानी कि एक वीक के स्टार्ट में एक वीक के लास्ट में। हाँ जी गाइस, सुबह 4 बज गए और आज मैच भी था इंग्लैंड और इंडिया का, सेमीफाइनल, और इंडिया की ना भाई इंग्लैंड जो है ना पूंगी बजाई गला सही वाली पूंगी बजाई गला, पाकिस्तान से भी टाइट करके बजाई गला। तो अभी देखेंगे वापस आ करके क्या सीन बनता है, ज़्यादा चांसेस है कि इंडिया हार जाएगा, जिस तरह की कंडीशन थी कोई आउट नहीं था, 100 से ऊपर क्रॉस कर चुके हैं, और मैंने भी भाई अभी बूट वगैरह ट्राउजर वगैरह कर लिए जी चेंज, मैं भी चलता हूँ थोड़ी देर बाहर, एक्सरसाइज भी हो जाएगी, और वॉलीबॉल खेलते हैं थोड़ी देर, वो भी खेल के आता हूँ। तो वॉलीबॉल का शौक नहीं है, बस एक्सरसाइज के बहाने जा रहा हूँ, चलो इसी बहाने खेलना भी हो जाएगा और एक्सरसाइज भी हो जाएगा, तो इंशाल्लाह वापस आकर मिलते हैं। बाहर से होके आ गया हूँ थोड़ी देर, बस एक्सरसाइज खेल कूद के बस अपना टाइम अपना गुजार रहे हूँ, शाम हो गई है और अभी ये आई पड़ी थी खजूरें, दोस्त गया हुआ था उमरा पर, तो उनके घर से आई हैं वो चाय, नमाज, तस्बीह, रुमाल, टोपी जो होती है, और ये खजूरें वगैरह, और आप जमजम का पानी, तो सबसे पहले तो ये खा लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और भाई साथ में आपको एक और न्यूज़ भी दे दूँ, इंग्लैंड ने जो है ना भाई इंडिया की सही पूंगी बजाई है सही बजाई है, मतलब कि एक्सट्रीम किस्म की, और इंडिया जो है ना भाई वर्ल्ड कप से बाहर हो गया और इंग्लैंड चला गया जी फाइनल में। अब मैच होगा पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का फाइनल,
इंडिया की ना पूरे टूर्नामेंट में बड़ी हाइप क्रिएट रही है कि ना वो टूर्नामेंट जीते रहेंगे। बड़ी ट्रोलिंग भी चलती रही पाकिस्तान और इंडिया की। इंडिया वालों ने ना मतलब बहुत ज़्यादा ट्रोल किया है पाकिस्तान को, लेकिन वो कहते हैं ना इज्जत ज़िल्लत तो अल्लाह के हाथ में होती है। और अब देख लो पाकिस्तान फाइनल में है और इंडिया जो शुरू से जीतता आ रहा था वो टूर्नामेंट से बाहर आ चुका है। तो खैर फिलहाल जो है ना वीडियो को भी यहीं पर करते हैं ख़त्म। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टाइम इंडिया को यही कह सकते हैं और इंडिया के फैंस को भी यही कह सकते हैं। बाकी अब जो होगा भाई इंग्लैंड और पाकिस्तान का फाइनल होगा तो वो देखिएगा ज़रूर, ताकि आपको भी थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ट्रोल किया इंडिया वालों ने ना पाकिस्तान को। तो फिलहाल वीडियो को यहीं पे करते हैं जी खत्म। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर लाजमी करें। अपने डेस्ट रखा रखिए, दुआ में याद रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।